दो लेक्चर्स हैं और लाहौर का भी मैच है, तो बहुत मजा आने वाला है। भाई भी उठ चुके हैं, रेडी भी जल्दी से होते हैं, वीडियो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई हो चुका है रेडी यूनिवर्सिटी के लिए। कल भाई ने गलती कर दी थी कि मैंने कहा यार अपर पहले तो इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन गलती बहुत बड़ी गलती कर ली थी। अब मैंने सिंगल तरह, ये है मोटी भी शर्ट है और सिंगल है, बहुत बेहतर है। चलो भाई पकड़ते हैं हम लोग अपने कीस और निकलते हैं। अब बाहर का मौसम आज तो धूप भी में निकली हुई है भाई जान। कल तो फिर हल्की फुल्की डिम डूब धूप थी, लेकिन आज सुबह सुबह सो कोल्ड सुबह सुबह, हालांकि सुबह सुबह अब थोड़े ना दी, तो सर्दियों में इसी टाइम पे यही सुबह सुबह होती थी और इस वक्त फोग इतनी होती थी, लेकिन इस वक्त अब सारा बच्चा पार्टी बेचारे क्लास में बैठे होंगे, पेपर लिख रहे होंगे जिन जिन के पेपर, और जो लोग पेपर दे चुके हैं वो आराम से घर में भी फिलहाल सो रहे होंगे, पर नींदें अपनी पूरी कर रहे हैं। चेक करो खामोशी, इसलिए तो खामोशी है इतनी। चलो अब हम भी, हमारे भी दो लेक्चर, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, निकलते हैं हम। और ज़रा फीलिंग हो रही कि मैंने यार सिंगल शर्ट पहन ली, मुझे तो नॉर्मल बल्कि फील हो रहा है। गर्मी गर्मी ये नहीं, इतना भी नहीं बनना कि गर्मी फील हो रहा है, इतनी भी नहीं बात है। चलो चले यार, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। बिल मिली भी क्या है, ये साल लगी थी ना मैंने साइड पे करके यहाँ पे, फिर जगह बनाई है, फिर भी दूर है यार। अब तो आगे मिलते ही मिलने वाला खत्म ही हो गया। बस भाई क्या चाल है, ठीक हो? चलो भाई अब हम निकलते हैं अंदर, लेक्चर लेते हैं। धूप कैसी पड़ रही है हम ऊपर। सर्दियों में इस लेक्चर में आँख नहीं खुलती होती थी, अब बिल्कुल ईजी हो गया। पता नहीं वो दिल नहीं करता था ना कंबल कुंबल रिसाई से निकलने का सर्दियों में, अब तो गर्मी लग रही होती है। अब मैं कहता हूँ उठो यार निकले। चलो अब अंदर चलते हैं, दो लेक्चर, एक पहला लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, उसके बाद इंग्लिश का लेक्चर है। तो लंबा है लेक्चर यार, उसके बारे में बाद में करते हैं। आपको पता ही होगा क्योंकि फ्राइडे को जो मार्च की बात है, अभी फिलहाल अंदर चलते हो, पहला तो लेना। रश 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 इज टू मच बड़ी, बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं फील हो रहा है कि नहीं। वो बिल्डिंग है हमारी, उधर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश दोनों का लेक्चर है। पहला इलाजिक लेक्चर, पहला लेक्चर लेके फिर मिलता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपने यहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया इंग्लिश के लेक्चर से पहले, तो मुझे लग रहा है आपने कुछ भी नहीं बनाया। मौसम चेक कर रहे हो फिलहाल, मुझे कुछ नज़र नज़र नहीं आ रहा कि कैसा मौसम चल रहा है, लेकिन मौसम फुल हैवी धूप वाला हुआ पड़ा है और बड़ा ही लेवल, मतलब लेकिन आप समझ लो लेक्चर गर्मी से हम बचे रहे। मैं सोच रहा था बैठे हुए, मैंने कहा यही मैंने कोई लप्पर जैकेट पहना होता मेरे तो बुरे हालात हो जाने थे, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम बहुत खूबसूरत हुआ पड़ा है, तो धूप में भी इतनी गर्मी नहीं लग रही इस शर्ट के साथ। हाँ कुछ ले, आप देखो ये लोग बहुत आवाम ने भजन खत्म, अपर ऊपर जैकेट है खत्म, सिंगल शर्ट पे आ गए। ये तो फिर जरा वो हैवी वाली शर्ट है, ये इस मौसम में चल जाएगी, बिल्कुल कॉटन वाली शर्ट भी नहीं है ना भजन। इतने हालात भी नहीं अभी ख़राब हुए कि बंदा वही पहन ले फिर तो बीमार ही हो जाएंगे रात को बिल्कुल सर्दी होती है। लेकिन अब हमारा एक लेक्चर हो गया लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का लेक्चर है, वो मिसने कहा हुआ यार बड़ा करना है क्योंकि फ्राइडे को मिसने ऑफ हो गया था, मैंने पहले बताया था फ्राइडे को। अब लेट्स सी देखते हैं, अगर तो चांस लगा, मतलब चांस क्या लगा, मिसने कहा था कि 12:15 खत्म होता है, 1:15 तक चलेगा लेक्चर। लेट्स सी देखते हैं कब तक चलता है, अभी फिलहाल शुरू तो करें फिर ही खत्म करने की बात करेंगे। जन कमाल हो गया, कमाल मतलब कि शेख बहुत मज़ा आ गया, कमाल हो गया। कहाँ 1:15 छुट्टी होनी थी, 12:15 फ्री हो गए, मतलब कि लेक्चर से जब फ्री हो जाए उसके फजूल बैठने से अच्छा मिसने का छुट्टी, मतलब कि 12:15 ही मिसने फ्री हो कर दिया, इससे आपको और खुशी क्या चाहिए भाई जान। अब हम ये निकल आए हैं, बिल्डिंग से भी बाहर निकल आए हैं, यहाँ से आराम से बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के। मैंने सोचा था यार कितनी लेट, पता चले 1:15 से भी लेट हो जाए, 1:30 बज जाए, मिसने कहा था शायद लंबा चला जाए, लेकिन उसने कहा दैट जीरो मिस, पता नहीं कह रही थी लास्ट, आज शायद इंग्लिश का लास्ट लेक्चर है बोलते हुए गई हैं, कोई पता नहीं अभी पहले पता चल जाएगा, लेकिन खुशी चेक कर रहे हो जब आपको जल्दी फ्री हो जाओ। चलो आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता हूँ। तो गर्मी को तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया भैया, बहुत हैवी पड़ रही है यार, इधर से पड़ी है बड़ी गंदी किस्म की पड़ रही है। चलो अभी अब हफ्तों में छुट्टी होगी, आराम से घर जाके बैठेंगे, देखें कोई ना कोई काम हुआ तो वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे वेले तो नहीं बैठना। रिहर्सल का मैच आज तो लाहौर, क्या मजा आएगा, वो रात को है, पार्किंग में पकड़ दिन निकल रहा हूँ, बाइक पकड़ते हैं बस अपनी, पार्किंग में आ गए और बाइक अपनी कहाँ पर है, आगे लगाई थी,
क्लीप तो कब जगह मिलने का नामो निशान नहीं है आगे है। चलो ये आगे अपनी बाइक अब पकड़ते हैं और घर जाके मिलते हैं डायरेक्ट। घर पहुंच चुके हैं और दो ही लेक्चर थे वो तो हम लोगों ने ले लिया। अब बस सिर्फ और सिर्फ PSL, एक तो हम जिस टीम को सपोर्ट करें वही हार जाती है। कल क्वेटा का करते हैं इस बारे में पहले एक दफा मैं जियो के फ्रेश हो जाऊं। बाहर तो देखो भाईजान क्रिकेट का फुल सीन ऑन हुआ पड़ा है, बॉयज वहां पर फुल क्रिकेटिंग चल रही है और वो भी कह रहे हैं आ जाओ वहां। क्या कह रहे हैं, निकल रहे हैं भाई, ये क्या सीन है यार, निकल रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे अब्दुल्ला अबू बकर वगैरह खेल रहे हैं, ये लोग निकल रहे हैं। ओए रुको बात सुनो, रुको क्या हुआ है खत्म पेपर की। ओए सुन ये क्या सिस्टम है भाई, क्या हो गया ब्रो, निकल रहे हो किधर निकल रहे हो, अभी तो खेल रहे थे, मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करता हूँ, क्या सिस्टम है। पेपर की तैयारी भी करनी है और बाकी सारे भी चलेंगे। कौन से ब्रो पेपर, मैथ का है पहला फाइनल। और तू यहाँ पर खेल रहे हो और फाइनल पेपर है यार, ब्रो आ जाओ खेल लो। ये देखो अहमद के घर भी उसके कजन कुजन आए हुए हैं। अली आपकी तैयारी है कोई के नहीं, 0% अभी अभी यार, अभी बता सही बता, 0% कितनी की है। बड़ी जाती तो फिर ठीक है खेलते हैं। आज के मैच में किसके साथ है ब्रो? लाहौर जीतेगा अब्दुल्ला जी, आपको कोई बात नहीं हो रहा है अब्दुल्ला जी को देख के बेचारा। चलो यार ठीक है फिर ओके, आप लोग जाओ तैयारी पूरी करो, लाहौर ही जीतेगा यार। लेकिन हम लोग जिसके साथ भी जा रहे हैं वो हारी जा रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन पहले में हम लाहौर के साथ ही। ये वाला लाहौर यार लाहौर की बैटिंग लाइनअप में थोड़ा मसला है, कोई नहीं अभी तो कोई खेल नहीं रहा, अंदर ही चलते हैं हम भी। आज का मैच होता ही बहुत टफ है, समझ नहीं आ रही होती बंदा किस तरफ सपोर्ट करे। एक तरफ होता है लाहौर के अंदर वो तो भाईजान अपनी टीम ही टीम है ना, दूसरी तरफ होते हैं सैफी भाई वो तो लव है भाईजान अपने, तो समझ नहीं आ रही होती बंदा सैफी भाई लाहौर के अंदर। बस बंदा कहता है सिर्फ कहता है कि यार क्वेटा एक ही मैच हार जे वो है हमसे, क्योंकि यार बस लाहौर यहाँ से सैफी भाई और लाहौर में से अपना जरा लाहौर विन कर जाता है और हम लाहौर के साथ, आज तो लाहौर के साथ है जी जय बस लाहौर को गए। पता नहीं समझ नहीं आ रही हमारे तो से बैटिंग में इशू आ रहे हैं, हालांकि बॉलर तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं इस टाइम पे। लागा दिमार इज बैक, राशिद खान इज बैक और आ चुका है राशिद खान 11 के अंदर भी। और मुझे पता था कि लेम दोसन को वो रेस्ट करवा देंगे, वो तो इंजर्ड हो गया जिस वजह से लेम दोसन नहीं खेला, लेकिन अगर वो इंजर्ड ना भी होता तो उन्होंने लेम दोसन को बिठा के लागा दिमार को खिलाना था, बिकॉज Now it's all complete, हमारी लाहौर के अंदर हो चुकी है complete। अब हमें कंक्लूजन कर लेना चाहिए क्योंकि अब ना हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन है हैरी ब्रूक ने, आई डोंट थिंक सो कि वो आएगा खेलने के लिए। हाँ हैरी ब्रूक बीच में आ जाता ना मिडल ऑर्डर में, फिर हमारी मैं कह रहा हूँ वहां तक पहुंच जाता था, स्क्वाड में तो है लेकिन उसने आना होना है नहीं PSL खेलने ज्यादा मुझे लगता है। अब फिलहाल हम लोगों की बैटिंग आ चुकी है, ताहिर बेग से उन्होंने स्टार्ट दिया और फखर जमान, लेट्स सी हम क्या करते हैं कितना करते हैं। ताहिर बेग को चाहिए शॉट्स ऑन रखे भाईजान, हमें वो वाला 50 नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटेंट जो छोड़ देना वो मजा आएगा। मैच में देखो हमें किसने ज्वाइन कर लिया और यार ये क्या कर रही है ब्रो लाहौर के अंदर, लाहौर पूरे बदले ले रही है कराची वाले मैच। सही बात है 4.2 ओवर हो गए, चौथे ओवर की दूसरी बॉल हो चुकी है, स्कोर अपना 49 है और फखर जमान के 13 बॉलों पे 22 है। ताहिर बेग लेवल स्टार, फखर जमान लेवल स्टार, ताहिर बेग 13 बॉलों पे 25, दोनों में कह रहा हूँ एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है देखने को यार। चौथे ओवर में हमने ऑलमोस्ट 11 के रन रेट से हम लोग खेल रहे हैं इस वक्त और फखर ने रूम बनाया, वो बच गया, ओ आउट हो गया। सैफी भाई गुस्सा कर गए भाई यार आउट हो गया यार, एज निकल गया और डीन स्मिथ ने आउट कर दिया, लेकिन एक एग्रेसिव स्टार्ट भी लिया और ये सिर्फ विकेट और स्कोर देखने आई जा रहा है बार बार, ब्रो आउट हो गया फखर यार, ये क्या है यार, एक दो विकेट गिर गए तो स्लो हो जाएंगे, लेकिन यार नहीं होना स्लो यार, अच्छा खेल लो यार। टारगेट कितने का दे दिया भाई, 199 कर लेगा इंशाल्लाह यार, डिफेंड कर लेंगे ना भाई जान। यॉर्कर देख रहे थे शाहीन की फिर, ओए होए होए क्या यॉर्कर, लेकिन उसके बाद एग्रेशन भी मजा आया, हारिस रोफ को रॉय ने छक्के मारे, पावर प्ले कमाल का पावर प्ले गुजरा, एक तरफ बॉलिंग लेवल एक तरफ, दूसरी तरफ फिर हारिस को जो छक्के पड़े, बहुत मजे का मैच चल रहा है इस वक्त भाई साहब। लाहौर जीत गई तो भाईजान जीतना ही था, लाहौर ने जीतना था और किसने जीतना था, मुल्तान भाईजान, क्वेटा क्वेटा क्वेटा
चलो चलो ठीक है, जो भी है जो भी है, अपना सिटी क्या लाहौर भी था, आपको पता जीत गया यार मुल्तान, पता नहीं। चलो ये है अपनी बैटिंग लाइन, अपने बड़ा साथ दिया, बॉलिंग में फिर शहीना जब आ जाए तो ये इतना कर देता है मैच को खत्म। तो फिर आज की वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, दुआ में ये भाइयों को याद रखना। चल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।